मैं गबगी नगर से बात कर रही हूँ मई। हमारी भांजी ढेंगों की तरफ से इंतकाल हो गया। सात से आठ साल की बच्ची थी वो। वो बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, डेंगू हो गया था। अवैसी दवाखाने को ले लेकर चले गए। 50-50 हज़ार के, 40-40 हज़ार के, 30-30 हज़ार के इंजेक्शन लेने के वजह से भी बच्ची की तबीयत नहीं संभली। वहाँ से सीधा नीलाफर दवाखाने को भेज दिए। ACG निकाले, वो निकाले, ये निकाले, नलियाँ डाल दिए बच्ची को। मासूम बच्ची को, 7 साल की बच्ची, क्या तकलीफ नहीं सही होंगी। इतनी छोटी छर की बच्ची दुनिया के नलियों में, तकलीफों में चले गई बच्ची। हर माँ बाप के बच्चे सलामत रखो, हमारी बहन की बच्ची चले गए, इतनी छोटी सर की बच्ची। 3 साल, 3 बच्चों की एक बच्ची थी, एक लौती, एक बेटी थी उनकी। हर चीज़ से करे बच्ची को, हर इंजेक्शन ले गया है, हर पैसा लगा दिया बच्ची को। कई लाख तक पैसा हो गया अवैसी दवाखाने में। फिर वहाँ पर अवैसी में पीढ़ से लेके हर जुमेरात तक थे। जुमेरात की 11 बजे की रात को नीलाफर दवाखाने में भेज दिए बच्ची को। नीलाफर दवाखाने में भी वहाँ पर भी नलियाँ डाल दिए बच्ची को। वहाँ पर फेफड़ों पे इन्फेक्शन हो गया था, लंग्स में पानी आ गया था पूरा, अंतड़ियों में पानी आ गया था बच्ची को। लापरवाही बहुत हो गई डेंगू की। डेंगू की वजह से बच्ची आज 7 साल की बच्ची आज फौत हो गई। आज 7 साल की बच्ची, ये दूसरे बच्चे नहीं होना। यहाँ पर कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, ना कोई। कबगी नगर एरिया है ये, या ये कबगी नगर हाशमाबाद के नीचे है ये एरिया। कबगी नगर है ये एरिया, यहाँ कोई चीज़ नहीं आती। यहाँ पर लोग कचरे की गाड़ी आई तो लोग कचरा नहीं डाल रहे। क्यों नहीं डाल रहे? कचरे वाला 100 रुपये ले रहा बल्कि कचरा नहीं डाल रहे। नालों में कचरा फेंक दे रहे, घरों के सामने कचरे कुंडियाँ बना दिए। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अजाब हो रहा है। घरों के सामने कचरे की कुंडियाँ हैं, ना कोई आके GMCH वाला कोई आके साफ़ सफाई नहीं करता, कोई आके झाड़ू झटका नहीं देता, कोई मच्छर की गाड़ी आके मच्छर की दवा नहीं मार के जाती। ये लापरवाही की वजह से हर बच्चा बीमार पड़ा। सर्दी बुखार से लेके हर चीज़ हो जा रही। कोई किसकने पैसा है उन्होंने दवाखानों में डाल सकते हैं, जिसकने पैसा नहीं है तो वो ऐसे ही खो देना औलाद को, ऐसे ही मार देना औलाद को। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। मेरी भांजी महरीन का इंतकाल हुआ है। इसकी वजह यह है कि ये महल्ले में डेंगू की वजह से मेरी भांजी का इंतकाल हुआ, जिसकी मेरी भांजी की उम्र है 7 से 8 साल रहेंगी, समझे ना। हम लोग बहुत तकलीफदा हो गए हैं, हम बहुत गमजदा हो चुके हैं। ये सब बल्दिया की लापरवाही की वजह से हो रहा सो है, समझे ना। गवर्नमेंट से हमारी इल्तिजा है कि ये डेंगू के दवाई का छिड़काव किया जाए, समझे ना। महल्ले में बहुत सारे लोग परेशान हाल है। ये कौन सा एरिया था? ये एरिया कबगी नगर का एरिया है, आशामाबाद कबगी नगर का एरिया है ये। बच्ची की तबीयत कब से खराब थी? बच्ची की तबीयत खराब होके 6 दिन हुआ था। डॉक्टर के पास बताए ले गए, अवैसी को लेके गए बताए, वहाँ पर भी इलाज ना होने की वजह से नीलाफर दवाखाने को शिफ्ट किए कल, बहुत सीरियस हो जाने से। अवैसी हॉस्पिटल में 4 दिन रखे थे हम लोग, उसके बाद में हमारी इस्तेमाल नहीं होने की वजह से वो लोग वहाँ पर लेके नीलाफर लेके चले जाओ बोल के बोले। वहाँ पर ले जाने के बाद में डॉक्टर्स बोले हालत कंडीशन बहुत सीरियस है, कोशिश हम करेंगे बोले। वो लोग कोशिश करे मगर अल्लाह को पसंद नहीं था, वो लोग की कोशिश जारी रखे थे वो लोग, मगर अल्लाह को वो चीज़ पसंद आई थी, अल्लाह ताला वो चीज़ ले लिया। मगर हुकूमत से हमारी इल्तिजा है, ये महल्ले में, ये एरिया में बहुत सारे बल्दिया के काम रुके हुए हैं, वो करा दे तो मेहरबानी होगी आप सबकी।